पहले हम बात करेंगे चांद नगर है किसका, कौन बेहतर होगा चांद नगर के लिए? जावेद सिद्दीकी, हमारे जावेद भाई जो है अब की बार इन्हीं को टिकट मिले, बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो आपके हिसाब से बदलाव में कौन बेहतर चेहरा? हमारे तो मन की पसंद है जावेद भाई। हमारे जावेद भाई सत्ता में नहीं होते हुए उन्होंने बहुत काम किया है, मेरा ये कहना है कि उनको एक मरतबा चांद दिया जाए। हमारे एरिया के लिए जावेद सही है, अभी ये साल इंशाल्लाह जावेद भाई को निकालना है। मुंबई टीवी 2018 से सभी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। अब आप मुंबई टीवी पर छोटे या बड़े सभी कारोबार का विज्ञापन दे सकते हैं, बैनर ऐड हो या वीडियो ऐड हो, सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आप हमारे चैनल द्वारा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय हम मौजूद है कौसा चांद नगर परिसर में। चांद नगर परिसर में इन दिनों जो है राष्ट्रवादी एक तरफ तमाम दावे कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो चांद नगर में एक विकास की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रोड पर चलने वाला रास्ता ख़राब है, नालियों की व्यवस्था ख़राब है और पानी भी नहीं आता। तो ये सारे विवाद के बाद भी जो है क्रेडिट लेने वाला मामला एनसीपी की तरफ से देखने आ रहा है। एक तरफ हम उम्मीदवारी की बात करें तो दो पक्ष यहाँ पर तमाम तरीके से जो है पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। अगर एक हम बात करें यूनुस शेख जो कि एनसीपी के पदाधिकारी है, और दूसरी तरफ एमआईएम के जावेद सिद्दीकी। अब ये देखना है कि स्थानिक लोग द्वारा जो है कैसी प्रतिक्रिया है इन दोनों के विकास को लेकर। पहले हम बात करेंगे चांद नगर है किसका, तो यहाँ पर जनरली हम पब्लिक से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ भाई, चांद नगर के विकास को लेकर के काफ़ी पीछे है परिसर, तो क्या लगता है ये बार कौन उम्मीदवार आपके हिसाब से बेहतर है और किस तरीके से विकास आप देखते हैं चांद नगर का? चांद नगर में जो है ना भाई, देखो अभी जितने भी जो कार्यकर्ता आ रहे कोई सही से काम कर नहीं रहे, लेकिन लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन में हमारे जावेद भाई जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी जनता के जो भी दुख सुख थे बांटे, इन्होंने काम किए अच्छे से। इसलिए अच्छा दो कठिन उम्मीदवार है एनसीपी के, क्या मतलब भाई अब की बार इन्हीं को टिकट मिले और यही जीत के भी आए। मतलब एक जावेद भाई एक विकास के लिए सही चेहरा है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। अब यहाँ पर जैसे हम रोड पर खड़े हैं, जनरली जो है पब्लिक की ओपिनियन हम ले रहे हैं, और उसी में एक दुकान वाले और है मेडिकल वाले। चांद नगर जो है काफ़ी साल से विकास के लिए तरस रहा है, तो ये बार कठिन उम्मीदवारी दो है एनसीपी के यूनुस शेख और दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी एमआईएम के, तो क्या लगता है कौन बेहतर होगा इस विकास करने के लिए चांद नगर के? बेहतर ये जो है हमारे जावेद भाई, सत्ता में नहीं होते हुए उन्होंने बहुत काम किया है और करते हुए आ रहे हैं लॉकडाउन से लेकर अभी तक, वो आपको हर जगह दिखते हैं, कभी भी कुछ भी हो तो एनी टाइम वो हाजिर रहते हैं। मुझे मेरा ये कहना है कि उनको एक मरतबा चांद दिया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सैयद जाहिर हसन। ये बार जो है विकास के दावे करने वाली एनसीपी जो है चांद नगर में विकास के दावे कर रही है, एक तरफ हम उम्मीदवारी की बात करें तो यूनुस शेख है और दूसरी तरफ जावेद सिद्दीकी है, कौन बेहतर होगा चांद नगर के लिए? जावेद सिद्दीकी बेहतर है। हाँ बेहतर है। दो मिनट आप लोगों से बात कर सकता हूँ? हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रईस। चांद नगर में विकास हुआ है? अब ये तो मैं नया नया आया हूँ, इनसे पूछे ये बता सकते हैं। हाँ विकास हुआ, लेकिन जो होने का था वो नहीं हुआ है, जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ। चांद नगर में विकास हुआ है? चांद नगर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। नहीं। तो बेसिक सुविधाएं जो है जनता को अभी तक मिली नहीं। नहीं। ये बार जो चांद नगर में चुनावी चर्चे काफी तेज हो रहे हैं, एक तरफ उम्मीदवारी की बात करें तो राष्ट्रवादी के यूनुस शेख है और दूसरी तरफ एमआईएम के जावेद सिद्दीकी है, कौन बेहतर विकास के लिए आपको लगता है चांद नगर में होना चाहिए? जावेद ही है, इधर जो भी विकास हो रहा लगता है जावेद ही हुआ है। मतलब बेसिक फैसिलिटी जो है वो नहीं हुई है? नहीं हुई है। अच्छा ये बार जो है उम्मीदवारी को लेकर के काफ़ी सरगर्मियां तेज है चुनाव में चांद नगर की, तो इसमें अगर उम्मीदवारी की बात करें एक तरफ यूनुस शेख है तो दूसरी तरफ एमआईएम के जावेद सिद्दीकी है, आप किसको लगता है कि बेहतर होगा हमारे विकास? जावेद भाई जो काम कर रहे हैं, जावेद भाई का काम भी अच्छा है, जावेद भाई काम कर भी रहे हैं, आगे का अल्लाह को। ये बार चांद नगर में विकास के लिए बेहतर चेहरा कौन होगा? जावेद भाई। जावेद भाई क्यों ऐसा, क्या क्यों ऐसा लगता है? अरे जावेद भाई बहुत काम करता है इधर, तो ये बार विकास के लिए बेहतर चेहरा जावेद जावेद भाई का। यहाँ पर और भी लोग हैं जो बात करेंगे हमसे चुनाव को लेकर के,
ये बार विकास तो काफ़ी दावे करने वाली एनसीपी पार्टी जो है ये बार यहाँ पर कह रही है कि हमने बहुत काम किया, कितना काम हुआ आपको लगता है कुछ? अरे भाई साहब, काम उतना जो चाहिए वो नहीं हुआ है। अभी इस टाइम में हम लोग कुछ चेंज करेंगे। हाँ, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। तो आपके हिसाब से बदलाव में कौन बेहतर चेहरा? हमारे तो मन की पसंद है जावेद भाई। जावेद भाई को हम लोग इस टाइम में सपोर्ट करेंगे, आगे अल्लाह मालिक। हाँ हाँ, जावेद भाई अब की बार हम लोग यार 15 साल से झेल रहे हैं पूरी एरिया में। अभी ये साल इंशाल्लाह जावेद भाई को निकालना है। हमारा भरोसा है कि जब भी बुलाते हैं या आ जाते हैं तो हम वो उसे आदमी को सपोर्ट करेंगे ना, कि हम उसके पीछे उनको ढूंढेंगे, बोलेंगे कि भाई अभी वक्त नहीं है, अभी नहीं मिलेंगे। तो हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमको ऐसा आदमी चाहे हमको भाई ये जो कि हमारे एरिया में रहता हो, हमारे हमको बुलाने पे हमको मिले हो। ऐसा लोग नहीं चाहिए कि हमको रोड के वो बाजू और रसीद कंपाउंड और यहाँ वहाँ जाके ढूंढना पड़े। ऐसे लोग नहीं चाहिए, और 2 साल के बाद वो भी चले जाते हैं। आपके हिसाब से कौन? जावेद है, हमारे एरिया के लिए जावेद सही है। एक तरफा अगर हम बात करें, हमने तमाम लोगों से बात करी और सबका एकमात्र राय जो है सिर्फ जावेद भाई है, और लोग जो है जावेद भाई को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब ये चुनाव के वक्त की बात है, कौन से पार्टी से उठेंगे कौन से पार्टी से नहीं उठेंगे वो मतलब नहीं है। हमको हमको जावेद भाई को देना है, हमको आगे पार्टी नहीं देखना है, हमको यहाँ फ्रंट में जावेद भाई को देखना है बस। हाँ आप बोलिए। जावेद भाई। चलो ठीक है, अब ये देखना है चुनाव के वक्त की क्या प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों की रहती है, क्योंकि अभी तक जो है सभी का रिस्पांस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जावेद भाई पर ही रुका हुआ है। अब ये चुनाव में हम आकर के देखेंगे कैसे लोग जो है प्रशंसा कर रहे हैं, और जावेद भाई के काम को लेकर के क्या कुछ जावेद भाई कहते हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी, मुमरा।